माना आप बेटा के एक महासागर के किनारे पर है जो दुनिया भर की जानकारी वाली लहरों के साथ हर सेकंड बढ़ रहा है। पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल यह छोटी नाव की तरह है, उनकी तैरने की क्षमता सीमित है, लेकिन यहाँ एक जहाज हो तो यही डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग एक जहाज है जिसे डेटा के महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। यह सबसे जटिल प्रणाली है, जैसे कि एक मानव मस्तिष्क। जैसे हमारा मस्तिष्क अरबों तंत्रिकाओं से बना है जो दुनिया को समझने के लिए मिलकर काम करती है, उसी प्रकार डीप लर्निंग डेटा से सीखने और भविष्यवाणी के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे सीखता है? जब आप बच्चे थे, स्कूल में ऐसे खेल खेले होंगे जिनमें चित्र पहचानना होता है। क्या वे कार्ड याद है? आप बताते थे कि यह कुत्ता है या बिल्ली और शिक्षक पुष्टि करता था। आप दोहराने और प्रतिक्रिया से सीखे। एक कंप्यूटर भी ऐसे ही सीखता है। तंत्रिका नेटवर्क धारणाएं बनाता है और हो सकता है जैसे 70% निश्चित हो कि चित्र सही है या नहीं। यह अनुमान के बजाय समय के साथ मापदंड बदलकर प्रशिक्षित होता है। यह क्यों मायने रखता है? अधिक डेटा के साथ कंप्यूटर चित्र को सही ढंग से पहचानने में तेजी से सुधार कर सकता है, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर फूल। इसी वजह से डेटा की मात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। खाना पकाने का उदाहरण ले। शुरू में आप सरल व्यंजनों से शुरू करते हैं, जैसे अंडे को तलना या चावल पकाना। हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। आंच कितनी ज्यादा करनी है, अंडे कब तक पकाने हैं, चावल में कितना पानी डालना चाहिए। समय के साथ आप अधिक कुशल हो जाते हैं और इन व्यंजनों को कभी भी पका सकते हैं। यह पारंपरिक मशीन लर्निंग जैसा है। पर अगर आपको जटिल पकवान बनाना हो, जैसे फ्राइड चिकन, आपको सोचना होगा कि चिकन कैसे फ्राई होगा, क्या तापमान रहेगा और कौन से तेल का उपयोग करेंगे। अभ्यास के अलावा यह भी जानना होगा कि ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यहीं पर डीप लर्निंग काम आती है। चिकन फ्राई की तरह डीप लर्निंग में बहुत ट्रायल और एरर शामिल है। तंत्रिका नेटवर्क एक धारणा बनाता है, जांचता है कि यह उत्तर के कितने करीब था और फिर अगले अनुमान के लिए मापदंडों को समायोजित करता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है और हर बार सही उत्तर के करीब जाते हैं। ज्यादा रेसिपी पाक कौशल को बढ़ाती है, उसी प्रकार अधिक डेटा से प्रशिक्षित कंप्यूटर बेहतर सटीक पूर्वानुमान लगा सकेगा। जैसे बच्चा जानवरों के कार्डों से चित्र पहचानना सीखता है, वैसे ही कंप्यूटर मानव भाषा सीख सकता है। AI की दूसरी शाखा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या NLP है, जो डीप लर्निंग जैसे सिद्धांतों पर है लेकिन भाषा पर ध्यान केंद्रित करती है। कंप्यूटर जितना अधिक पाठ डेटा से सीखेगा, वह मानव जैसी भाषा में उतना ही अधिक कुशल होगा।